अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। ज़कात जिसको दी जाए उसको मालिक भी बनाया जाएगा, वो तो यहाँ भी हो जाएगा। अगर किसी को दिया जाए ज़कात का पैसा तो उसको मालिक ही बना देंगे, जब खाने की चीज़ें अगल्ला या जो भी कुछ देंगे, वो मसला तो नहीं है ज़्यादा। जो NGOs हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर सोसाइटी है, जो भी की काम कर रही है, वो आपने अपना गोया उनको वकील बना दिया, तो वो उनको अदा कर देंगे। तो ये मसला तो नहीं है कि आप मालिक नहीं बनाएंगे इसमें, लेकिन ये जो मसला है वो ये कि ये लोग ये तहकीक नहीं कर पाते। आसान भी नहीं है, जो आएगा उसको दे देंगे, जारी बात है। अब वो मुसलमान है गैर मुस्लिम है, सैयद है गैर सैयद है, मुस्तहिक है गैर मुस्तहिक है, हमारे लोगों को मालूम नहीं है। यानी जो लोग लेने वाले हैं उनको ये मालूम नहीं है कि उनके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। उनको बुनियादी कलमे, नमाज, इन बातों का नहीं पता होता। आम गरीब बेचारे लोग हैं, सादे से, अल्लाह उन पर करम फरमाए। हमारी भी कोताही है कि उन तक पहुँचते नहीं, सिखाते नहीं, तो अब उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ये सब बारीकियाँ जान के आएंगे और कहेंगे सका। उनको कोई पता है कि बस कहीं कुछ खाना मिल रहा है, चीज़ें मिल रही हैं, वो ज़रूरतमंद है बेचारे, आ जाते हैं। तो देने वाले भी ये सोचते हैं कि जो भी ये किसी की मदद तो हो रही है ना। ये तो आम लोगों का हाल है, जो जिनको दीन का अच्छा खासा इल्म है, और जिन्हें इल्म नहीं है वो सिर्फ वेलफेयर के काम करना चाहते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, दीनी कुछ बुनियादें जानते नहीं हैं, उन्हें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेचारे, वो तो सब चीज़ों को एक ही समझते हैं। तो उनके ऐसा समझने न समझने से आपकी ज़कात पे ये नहीं होगा कि चूंकि उनको नहीं पता था उन्होंने गलत जगह दी, तो आपको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़े, नहीं आपको भी फ़र्क पड़ेगा, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। जिसको आपने अपना वकील बनाया है, वो अगर आपका मुकदमा सही ना लड़े और आप हार जाएं, तो ये नहीं होगा कि चूंकि आपने तो सही नीयत से, आपका केस सही था, आपने पूरी जाफिशानी से पैसा पूरा दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन वकील ही कमज़ोर है तो काम कैसे सही होगा। तो जिसको आप अपना वकील बना रहे हैं, वो अगर सही काम ना कर सके तो उससे आपकी जान नहीं छूटेगी। ज़कात ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये ऐसा फेंकने की चीज़ें नहीं है कि जो दरवाजे पे आए उसको दे दें। मैं इसकी मिसाल उमूमन लोगों को थोड़ा सा तंबीह करने के लिए ऐसे देता हूँ कि दरवाजे पे कोई भी आया कि आपकी बेटी का रिश्ता मांगे, आपके बेटे का रिश्ता मांगे, आप कहते अच्छा चलिए आइए ले लीजिए, वहीं से बच्चा भेज देते हैं कि जाओ बेटा इस जब तुम्हारे यहाँ ससुराली अब ये रहेंगे। ऐसे तो कोई नहीं करता। तो हमारे नज़दीक जो है, यानी दीन की एक फरीजे की अदायगी इतनी हल्की है कि हम उसको अदा करने से पहले ये सोचे भी नहीं कि क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, तहकीक करना चाहिए। यहाँ तो हाल ये है कि एक ट्यूशन वाला भी आता है तो उसका पूरा इंटरव्यू करते हैं कि बच्चे को घर में पढ़ाने के लिए कौन आ रहा है। घर में आजकल तो प्लम्बर भी कोई आ रहा होता है और गाड़ी बनाने वाला भी आता है, तो उसको भी ज़रा देखते हैं कि कितना वो जानता है, कितना ठीक करता है, कितने लोगों के रेफरेंस से आ रहा है, कौन कौन उसको जानता है, ज़रा पूछते हैं यार तुमने काम कराया था कैसा था बंदा ज़रा बताओ। कोई गूगल करके ऐसे ही चला नहीं जाता किसी के पास भी, जब तक कि उसके ज़रा कवायफ देख न ले, क्रीडेंशियल से आइडिया ना लगा ले। तो दीन हमने चूंकि इतना आसान समझा है और उसकी कोई हमने अहमियत नहीं समझी, तो वो भी बस जान छुड़ाते हैं। ये भी उनको कि जिनको तौफीक हो जाती है, वरना बहुत सो को तो ज़कात देने का ख्याल भी नहीं आता होगा। तो हमें बहुत सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, खुद मालूम करें कहाँ देनी है ज़कात, किस तरीके से देनी है, और तहकीक करके देनी है। ऐसे इदारों में सिर्फ दीजिए कि जहाँ उलमा हो, मुफ्तियाने कराम हो, जो इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और वो वेरीफाई करते हैं, फिर आपका मामला इंशाअल्लाह ताला मुनासिब होगा। बगैर तहकीक के वे किसी को दे दें और वो गलत जगह पहुँचा दे, तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। अगर वो गैर मुस्तहिक को जाए उसका पता फिर क़यामत में ही चलेगा। अल्लाह माफ़ फरमाने वाले, अल्लाह हर चीज़ माफ़ फरमा सकते हैं किस चीज़ को चाहे। तो अल्लाह का फैसला है, अल्लाह की इजाज़त है, अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जो चाहे करे वो बादशाह है। लेकिन आप बादशाह की रहमत को, उनकी करम को सामने रखते हुए ये नहीं कर सकते कि इस बुनियाद पर हम गड़बड़े करते रहें। खुद काम तो ठीक कीजिए पूरा, अल्लाह हमें समझ अता फरमाए।